जहाँ पे एक रुपया भी नहीं लगेगा आपको खाना खाने के लिए। तो गाइस और एक बात बता दे, अगर आप लोग राम मंदिर आ रहे हो, अगर आप लोग का पैसा नहीं है तो भी आप लोग राम मंदिर आ सकते हो, बस आप लोग। और यहाँ तो फ्री में खाना मिलेगा तो फॉर्म भरने के बाद, एक भी रुपया नहीं लग रहा ना। साथ ही जो रेड कलर का मंदिर दिख रहा है ये दिख जाएगा आपको हनुमानगढ़ी, जो कि आज पे देख लो ये है हनुमानगढ़ी। और यहाँ पे अगर राम जी के भेंट करने जाना है तो बिना तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वापस से कौन डी वीडियो स्वागत है। और अभी मैं हूँ अयोध्या में, और यहाँ से आप लोग का राम मंदिर का जो पथ है वो उसका अपडेट दे दूँ और राम मंदिर का भी अपडेट दूंगा। तो यहाँ पे जो ये रास्ता है इसका निर्माण कार्य चल रहा है और काफ़ी चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है ताकि जब राम जी का जब झांकी या किसी भी त्यौहार उत्सव में यहाँ पे ट्रैफिक जाम का स्थिति ना बने। और यहाँ पे देख सकते हो हर जगह यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसको कि रोड को चौड़ा बनाया जा रहा है। और रोड से काफ़ी दूर यहाँ पे आप लोगों को दुकानें देखने मिलेगी ताकि यहाँ पे लोग पब्लिक जो लोग हैं, आम लोग जो यहाँ के लोकल निवासी या बाज़ार करने चाहते हैं तो वो लोग यहाँ पे बाज़ार कर सकते हैं। और यहाँ पे अगल बगल दोनों तरफ ही आप लोगों को काफ़ी सारा दुकान देखने मिलेगा। और यहाँ पे ये जो अभी 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है हम लोग पैदल कवर करने वाले हैं, और हर एक चीज़ का आपको अपडेट मिलेगा इस वीडियो में। और राम मंदिर में आप लोग किस तरह कितना कुछ अपडेट हुआ है, कितना दूर तक काम चला है और कब तक ओपनिंग हो जाएगा इस वीडियो में ही आप लोग को मिलेगा। तो वीडियो बिना स्किप किए कंटिन्यू करते रहो। तो गाइस आप लोगों को बता दें ये जो है मेन रोड आ जा रहा है, ये इसका हाईवे में कनेक्ट हो जा रहा है और हाईवे से कट के यहाँ पे ये चला जा रहा है, मेन रोड से कट के लाइन जो जा रहा है ये जा रहा है सीधा राम मंदिर परिसर की ओर। और अभी हम लोग इसी के ऊपर अग्रसर हो गए हैं और हम लोग भी बढ़ते हैं राम मंदिर की ओर। और आप लोग को भी अपडेट देते हैं, आप लोग को भी अपडेट देते हैं राम मंदिर का कुछ। और यहाँ पे जैसे ही आप लोग आओगे तो काफ़ी लोग यहाँ पे आपको जय श्री राम का नारा लगाते हुए मिल जाएंगे, तो आपको भी जय श्री राम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ना है और हर्ष उल्लास के साथ एक चेहरे पे स्माइल लेते हुए आप लोग को भी बढ़ जाना है राम मंदिर की ओर। और दिखाते हैं आप लोग हमारे प्रभु राम श्री रामचंद्र जी का भव्य महल और मिलाते हैं आप लोग से प्रभु राम। तो गाइस आप लोग जैसे ही इस मंदिर इस रास्ते से अंदर होते हुए आओगे तो पहले आपको यहाँ पे ये दिखेगा ये प्राचीन राजद्वार मंदिर। और यहाँ पे साक्षात ये जो रेड कलर का मंदिर दिख रहा है ये दिख जाएगा आपको हनुमानगढ़ी, जो कि आज ट्यूसडे है तो सोच लो इतना भीड़ है, तो अगर थर्सडे को आओगे तो कितना होगा, सॉरी आज मंडे है तो इतना भीड़ है, ट्यूसडे को कितना भीड़ होगा आप लोग कल्पना कर सकते हो। और ये देख लो पूरा का पूरा ये जितना भी भीड़ देख रहे हो ये तो सारा का सारा हनुमानगढ़ी का भीड़ है। और जहाँ राम वहाँ हनुमान, तो वही है हनुमान जी के, राम जी के पास जाना है तो आपको हनुमान जी के गेट के सामने से होके गुजरना पड़ेगा राम जी के पास। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के पास, और यहाँ पे देख लो ये है हनुमानगढ़ी। और यहाँ पे अगर राम जी के भेंट करने जाना है तो बिना हनुमान जी से भेंट करें तो बिना उनसे परमिशन मांगे तो आप लोग राम जी के पास नहीं जा सकते। और यहाँ से आप लोग दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी से यहाँ से आप लोग को सीधे इस तरफ दिशा में चला जाना है, आप उतरते समय लेफ्ट साइड में आपको पड़ेगा और यहाँ से आपको सीधा मिल जाएगा राम मंदिर जहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ पे। तो चलो अभी चलते हैं, हनुमान से परमिशन ले लिए हैं और अंतर मन में परमिशन लिए हैं, गए तो दर्शन तो नहीं किए हैं लेकिन अभी हम लोग को जाना है इमीडिएटली राम मंदिर के पास। तो हम लोग चलते हैं राम मंदिर के पास और आप लोग को अपडेट देते हैं राम मंदिर का कि राम मंदिर का क्या मतलब, बहुत ज़्यादा उत्साह हो गया है मन में कि आप राम मंदिर देख ही ले और आप लोग को भी दिखाई दे। तो गाइस और एक बात बता दें, अगर आप लोग राम मंदिर आ रहे हो, अगर आप लोग का पैसा नहीं है तो भी आप लोग राम मंदिर आ सकते हो, बस आप लोग अपना किराए का पैसा लेकर आना और बाकी बात तो यहाँ राम मंदिर राम जी आप लोगों को खुद पेट भरने के लिए तैयार है। वो कैसे तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे है राम रसोई, मैं आप लोग को चल कर सामने से दिखा रहा है। राम रसोई में आप लोग आओ और यहाँ पे कूपन कटाओ, यहाँ पे राम रसोई है, यहाँ पे अपना नाम पर्चा आदि जो है ये डिटेल्स है वो भरो और यहाँ से राम रसोई से अपना टिकट लो और सीधा पहुँच जाओ उसके अंदर और वहाँ पे अपना पर्चा दिखाओ और जाके भर पेट जितना होके हो सके उतना अपना आनंद से खाओ। और हाँ एक बात याद रखना कि वेस्टेज खाना का मत करना, क्योंकि खाना का वेस्टेज बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि तीर्थस्थल पर आके मुफ्त का खाना खाना और वो भी उसका अंदर अन्न का बर्बादी करना ये एक बहुत बड़ा पाप का भागीदारी हो गए, तो इसलिए जितना खाना हो सके उतना ही भोजन लेना। हो रहा है फॉर्म फिलअप खाना खाने के लिए, और यहाँ चाचा फ्री में खाना मिलेगा तो फॉर्म भरने के बाद, एक भी रुपया नहीं लग रहा ना, एक रुपया नहीं लग रहा। तो गाइस यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनसे भी आप लोग को पूछवा दिए कि यहाँ पे एक रुपया भी नहीं लगेगा आपको खाना खाने के लिए, पेन भी पर्चा भी सब कुछ वहीं रखा हुआ है, अपना नाम डालो और द प्लेस डालो और आ जाओ यहाँ पर खाना खाने के लिए भगवान राम का महाप्रसाद खाने के लिए। तो राम नगरी में आ रहे हो और भूखे चले जाओ ऐसा हमारे राम जी होने नहीं देंगे आप, और एक एक चीज़ के लिए आप लोग डिटेल देते रहेंगे। तो चैनल को नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ताकि आप लोग का और भाई लोग हैं जो राम मंदिर देखना चाहते हैं लेकिन पैसे के तंगी की वजह से राम मंदिर नहीं आ रहे हैं तो ये वीडियो तो ज़रूर दिखा देना, क्योंकि आप लोग बस अपना भाड़ा का किराए का खर्चा निकाल लो, बाकी तो राम जी आपके सहारे हैं ही सहारे। तो गाइस ये जो मंदिर देख रहे हो यहाँ ये है श्री रामचंद्र जी महाराज का मंदिर बन रहा है,
और ये काफ़ी जूम करके हम आप लोग को दिखा रहे हैं, क्योंकि मंदिर अंदर परिसर से बहुत बाहर ही आपको रोक दिया जाएगा, क्योंकि परिसर के अंदर वीडियो कैमरा अलाउ नहीं है, तो इसलिए आप लोग मंदिर परिसर के अंदर नहीं जा सकते हो। और ये रहा ये मंदिर का निर्माण कार्य, कुछ ऐसा चल रहा है और अंदर आप लोग को परमिशन नहीं है जाने का, तो आप लोग वीडियो कैमरा के लेके साथ नहीं जा सकते हो। अगर आप लोग बिना वीडियो कैमरा के जा सकते हो और तो यहाँ पे है इसका राजमार्ग और ये पूरा कनेक्ट होता है पूरा भवन को लेते हुए पूरे एकदम, ताकि आप लोग अगर भीड़ भाड़ में यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके। आप लोग को देखो इसको कितना अच्छे से पत्थरों से इसको सजाया जा रहा है, और ये इसका बाहर में इसके आगे बन रहा है बहुत बड़ा कॉरिडोर टाइप का, ताकि यात्री लोग को रहने के लिए और आने के लिए असुविधा ना हो। और यहाँ पे इसका काफ़ी तैयारी चल रहा है, और बता देगा इस 22 तारीख को इसका ओपनिंग बताया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। यहाँ के शायद प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, तो उनके लिए और भी कुछ ज़्यादा यहाँ पे उस समय तो और भी ज़्यादा कुछ चेकिंग चलेगा। तो अभी तो ऐसा हाल है, तो सोच लो उस समय कैसा हाल होगा, और यहाँ पर बंदर काफ़ी ज़्यादा मिलेगा ऐसा आपको।